शिरोमणि महाराणा प्रताप मोती मंगरी पर दृश्य आप देख रहे हैं। आप देखें कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा और बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है। और आदरणीय आज हमारे प्रभारी जी मंत्री जी विनेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब पधारे, उनके साथ साथ मैं भी आया हूँ और हमारे साथ में भाई साहब सारथी हमारे राज्य मंत्री दिनेश श्रीमाली जी के एक दो फोटो थे अंदर में स्टेट मोटर गैरेज के भाई गोपी चंद बढ़िया गोपी चंद जी हमारे साथ में हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज महाराणा प्रताप की इस भूमि में हरियाणा से आए हुए प्रभारी मंत्री जी के साथ तो पूरा आनंद ले रहे हैं आज। पूरा फुल 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 आनंद है। पीछे देखो पूरा व्यू है, पीछे भी पीछे फुल। तो साथियों उदयपुर खूबसूरत क्यों है, कैसा है, आप अपने आंखों से देख रहे हैं। यहाँ की गाथाएं, यहाँ का इतिहास, यहाँ के उपन्यास, आपको चीख चीख के मेवाड़ के हर एक पहलू के बारे में दर्शाया गया है। यहाँ की देखिए सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपराएं और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की ये प्रतिमा, जिसे देखने के लिए हजारों सैलानी आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहें, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय महाराणा प्रताप जरूर लिखें। ये फोटो ले ली ना हमने, सॉरी यू काम का आदमी है तो ये सब कह रहे हैं यो बड़ो काम को आदमी तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। देखें उदयपुर पूरा यहाँ से दिखाई दे रहा है और बड़ा ही गजब का दृश्य है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने जय हिंद जय महाराणा प्रताप। मेवाड़ की धरती है, वीरों की इस धरती पर हमने जन्म लिया, बहुत सौभाग्य की बात है। और पूरे देश नहीं दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, देखने के लिए आते हैं और मेवाड़ की गाथा सुन के बड़े ही मन प्रसन्न हो जाता है। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जब गाथाएं गाई जाती है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है, देशभक्ति की मिसाइल। और ये हमारा उदयपुर का सभी खूबसूरत फतेह सागर झील, देखिए बढ़ता हुआ उदयपुर, विकसित होता उदयपुर की छोटी छोटी बिल्डिंगें यहाँ से दिखाई दे रही है। देखो यहाँ दो सारथी एक साथ बात कर रहे हैं, कोई कह रहा मोती मंगरी में पहले आया हुआ हूँ। नहीं मैं आया हूँ, मैं निकल गई दिमाग में, अब तो आ गया। तो कैसा लग रहा है आपके मित्र बड़े दिनों बाद? गोपीचंद जी, हाँ गोपीचंद जी अभी लगे हुए हैं और हमारे साथ बहुत ही जल्दी मुखातिर होंगे। आप बताओ आपको कैसा लगा उदयपुर? अच्छा जी उदयपुर से अवगत कराओ यार। ये उदयपुर में ढाई साल यहाँ सरकार की सेवाएं कर चुके हैं। ये उदयपुर में हाँ यही और बहुत दिनों बाद याद आया, साहब के ड्राइवर थे पहले। क्या बात है, आनंद जी के किसके पुल में रहा था। अच्छा तो देखिए आप उदयपुर की इस धरती पर और अच्छा लगता है, देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, विभिन्न विभिन्न यहाँ के संस्कृति इतिहास से परिचय होते हैं। और आज देखिए प्रभारी जी मंत्री आए हैं तो वीरेंद्र जी के स्वागत अभिनंदन में देखिए बड़ा ताता यहाँ पे लगा हुआ है। सभी कांग्रेस दल के जितने भी छोटे बड़े सभी नेता है वो सभी आ रहे हैं। नीचे का मीटिंग चल रही है, चाय की। कैसा तो स्वागत और अभिनंदन की